हाँ जी बच्चे, कोई क्वेश्चन बेटा किसी का? स्मृति, हरिंदर? नो नो। इसको बेटा प्रैक्टिस करना और कल के दिन ग्राफ खत्म हो जाएगा। और कल बेटा एक क्वेश्चन किया था हमने हरिंदर बेटा स्पैनिंग ट्री का, मैं वीडियो डाल दूंगा आज, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, स्पैनिंग ट्री की लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, या आप उसमें देख लेना चैनल जो आपको दिया हुआ है ना। यस सर, इसमें पिछली वीडियो आपने देखी है उसी में बेटा अवेलेबल होगा। डिफिकल्टी तो नहीं होती है आपको वीडियोस देखने में, ढूंढने में? नो सर। हाँ, आप जितनी भी वीडियोस होंगी सारी आपकी ही डल रही हैं, तो लेटेस्ट वीडियो में आप असेंडिंग ऑर्डर में अगर देखोगे ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी, तो न्यूएस्ट वीडियो आप ही के लेक्चर्स की होंगी, तो आज मैं सारी डाल दूंगा आप देख लेना। ठीक है, ओके सर। इजी टॉपिक था, ट्री आपने किए हुए डाटा स्ट्रक्चर में, स्पैनिंग ट्री मैंने कल करवा दिया था, एक बार उसको देख लेना, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना। फिर आपके पास बेटा तीन चार छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं ग्राफ में, वो कंप्लीट कर लेंगे हम कल, और मोस्ट प्रोबेबली इस वीक आपका ग्राफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा मंडे को एक टॉपिक शुरू करेंगे हम, रेकरेंस रिलेशन। ठीक है सर, मैंने 17 से छुट्टियां ले ली। 17 से छुट्टियां लेनी है? यस सर। 17 इन द सेंस 15 संडे से कितने दिन की? सर 5 डेज। 5 डेज, तो ऐसा करते हैं फ्राइडे और सैटरडे को रेकरेंस रिलेशन ही करेंगे। ग्राफ जितना हो गया ग्राफ, क्योंकि आप ना कर सकते हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ग्राफ का, जितना हो गया उतना करके रेकरेंस रिलेशन। ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, जल्दी कर लोगे आप, तो हम उस पर फोकस कर देते हैं फ्राइडे और सैटरडे। 5 दिन की आपकी छुट्टियां भी हैं, तो आप अगर टाइम मिलता है तो आप उसको थोड़ा रिफ्रेश भी कर पाओगे। ठीक है, yes, sir. तो फिर थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं आज भी। आपका नेक्स्ट लेक्चर कब है बेटा? सर 11:30। 11:30, चलो वी कैन टेक 5 मिनट्स, 10 5 मिनट ले लेते हैं और ओके सर। आई विल शेयर स्क्रीन बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर ग्राफ। के रेगुलर ग्राफ अब क्या होता है? आगे बेटा अगले पेज पर ही आपका ये टॉपिक रेगुलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ अब बेसिकली क्या होता है? इसको हम के रेगुलर ग्राफ भी कहते हैं। के रेगुलर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है, ये रेगुलर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हर एक नोड, एवरी नोड has same degree, सारे नोड की डिग्री सेम होगी। अगर मैं कहूं कोई ग्राफ के रेगुलर है तो एवरी नोड है सेम डिग्री के, सबकी डिग्री के ही होगी। अगर मैं कहूं एक ग्राफ है टू रेगुलर, टू रेगुलर का मतलब क्या है? सभी नोड्स की डिग्री दो ही होगी। जैसे ये आपका जो ग्राफ है ये वाला, ये टू रेगुलर है, सबकी डिग्री दो है, दो ही है ना बेटा? यस यस। अगर मैं कहूँ कोई थ्री, हाँ बोलो बेटा। अगर मैं कहूँ थ्री रेगुलर है, यस, तो आपके जितने भी नोड होंगे जैसे कि ये, सबकी डिग्री तीन ही होगी। सबकी डिग्री तीन ही है ना? सर टू रेगुलर मतलब सभी नोड्स की डिग्री दो ही होगी। हाँ हाँ बोलो सर। सर उसकी सर ए की जो फर्स्ट है उसकी टू होगी और लास्ट वाले की? बेटा इसकी भी दो डिग्री है, देखो एक ये जा रही है एक ये जा रही है, दो डिग्री होगी ना इसकी। इस वाले नोड को देखो, एक ये डिग्री है, एक ये एज है, एक ये एज है, तो इसकी भी दो डिग्री है ना, इसकी भी तो दो ही डिग्री है। ये देखो एक
एक तो इसकी भी दो है, ये देखो एक ये दूसरी है जी ये, तो दो ही डिग्री है। इनकी भी आप यस देखो तो सबकी तीन ही है डिग्री। सर, डिग्री मतलब नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन द नोड, सबकी तीन ही है ना। यस सर, अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं कहूं आपको कि पांच नोड वाला मेक आ फाइव रेगुलर ग्राफ, ठीक है, फाइव रेगुलर ग्राफ बनाना है, मतलब सबकी डिग्री पांच होनी चाहिए यस विद सर, फाइव नोट्स, विद फाइव नोट्स या विद नाइन नोट्स, नो नोट के साथ, तो बन सकता है बेटा। फाइव यस रेगुलर ग्राफ सर, बनाना है नौ नोड वाला। बेटा हमेशा याद रखना, ये आपको बताया ये थ्योरम पहले थी, डिग्री का सम क्या होता है, हमेशा डिग्री का सम क्या होता है, सभी नोड की, सभी वर्टिसेस की, ग्राफ की में जितनी भी नोड्स हैं उनकी डिग्री का सम किया जाए तो सम क्या आता है हमेशा। ये आपको पेपर में भी क्वेश्चन आया था, रिमेम्बर, प्रूफ करना था, यस डिग्री का सम क्या होता है, इवन होता है बेटा, इवन होता है, इवन होता है ना। यस सर, देखो तीन तीन छ, तीन नौ, तीन बारह, बारह ही आया ना, इवन ही आया ना सम। ये भी देख लो, दो यस दो सर, चार, दो छ और दो आठ, आठ ही आया ना, इवन ही आया ना। तो यहाँ पर हमेशा आप चेक करना, पहले फाइव रेगुलर ग्राफ है मतलब सबकी डिग्री पांच होगी, नौ नोड यस सर, है तो मल्टीप्लाई करो आंसर। अगर इवन आता है तो पॉसिबल है, अभी इवन नहीं ओके आया तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर, यही अगर दस नोड बोला गया हो, फाइव इंटू टेन फिफ्टी, इवन आया तो यस ये पॉसिबल है, ये बनाना पॉसिबल है, इसको बनाने की भी ट्राई करना, ठीक है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या होता है बेटा? प्लेनर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसको हम एक प्लेन पे बना सके, प्लेन मतलब टू डायमेंशन, जैसे कि आपका, अच्छा एक प्लेन पे बना सके का क्या मतलब होता है कि उसमें कोई भी दो एजेस ना इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए आपस में। जैसे आप कहोगे कि ये ग्राफ प्लेनर ग्राफ है कि नहीं, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एजेस इंटरसेक्ट कर गए, इंटरसेक्ट लेकिन ये प्लेनर ग्राफ है। क्यों प्लेनर ग्राफ है ये, बड़े ध्यान से आप देखना, ये तो हमने ऐसा बनाया है ना कि एजेस इंटरसेक्ट हो गई, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सर, रीबिल्ड करें, रीबिल्ड करें ये वाली एज ऐसे लेके जाए तो अब इंटरसेक्शन नहीं ना होगी, वो सीधा ऐसे लेके जाने की बजाय अगर हम इसको घुमा के लेके जाएं तो अब इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, तो ये प्लेनर ग्राफ है। प्लेनर ग्राफ कौन सा ग्राफ है जिसको एक प्लेन पे बनाया जा सके, मतलब उनकी कोई भी दो एजेस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है बेटा। यस सर, और इसकी थ्योरम्स है बेटा कुछ, प्लेनर ग्राफ को अगर आपने बनाना है। अच्छा मेरे को एक चीज और फाइंड आउट करके बताना कि मैक्सिमम कितने नोड वाला प्लेनर ग्राफ हो सकता है, कंप्लीट ग्राफ। अगर एक कंप्लीट प्लेनर ग्राफ है ना तो उसमें कितने नोड आ सकते हैं, कंप्लीट ग्राफ आपको पता है ना क्या होता है, इसमें हर हर नोड दूसरे नोड के एडजेसेंट होता है, देयर इज एन एज बिटवीन एवरी नोड, एवरी पेयर ऑफ नोड। और प्लेनर ग्राफ आप देख ही चुके हो जिसमें एजेस इंटरसेक्शन नहीं, एजेस इंटरसेक्शन नहीं होती है, तो बताना है आपने कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं एक कंप्लीट प्लेनर ग्राफ में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन समझ में आया है, कल मिल जाएगा इसका आंसर। यस सर, यस एनी डाउट, एनी क्वेश्चन बेटा, यू कैन आस्क। नो सर, नो नो सर, आप
कल वाली वीडियो का लिंक भेज देना। हाँ मैं डाल के आज सारी मैं भेज देता हूँ आपको, आज की भी कल की भी। ओके ओके सर, चलो यस दैट्स इट फॉर थैंक टुडे यू सर। बेटा।